अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आइडियल टूर्स चैनल से मैं हूँ फैज़ान जफ़र। एक नई लेटेस्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह हम अपने लैपटॉप के ड्राइवर कर सकते हैं। बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो यूनिवर्सल ड्राइवर लोग बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं और उसको यूज़ भी करते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सल ड्राइवर सिस्टम के लिए ठीक है, और सिस्टम भी वो जैसे डेल और एचपी बाकी सिस्टम में वो भी प्रॉब्लम करते हैं। और अगर आपके पास एसर का लैपटॉप है, नियोन का है, तोशिबा का है, कोई भी और कंपनी का लैपटॉप है, एचपी का है, तो आपको ड्राइवर करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, ख़ास तौर पे जब आप विंडो 10 यूज़ कर रहे होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैंने 2-3 दफ़ा ये यानी चेक किया है, यानी मुख्तलिफ मैंने वेबसाइट जैसे मुख्तलिफ विंडोज़ की हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और उसमें मैंने बहुत सारे ड्राइवर्स यूज़ किए हैं, लेकिन जो सबसे पहले है कि वो 3DP चिप मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और ये एक दोस्त ने हमें बताया। तो 3DGP पे आप चिप यहाँ पे लिखेंगे गूगल पे तो उनकी ऑफिशियल साइट आ जाएगी। और लास्ट ये टाइम अपडेट कब हुई है जी, यहाँ पे कोई शो नहीं कर रहा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो 2 MB का सॉफ्टवेयर है, ये MB ओपन हो जाएगा, इसको आपने ओपन करना है और इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे ओके करेंगे, सिंपल इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। मैं आपको इसके सामने अभी आपके सामने करके दिखाता हूँ। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा आईटीलैंड टूर्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह जैसे आप 3DGP चिप लिखते हैं वहीं इसी तरह यहाँ पे लिखें आईटीलैंड टूर्स और हमारा चैनल आ जाएगा, ठीक है। आईटीलैंड टूर्स लिखेंगे तो हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। ये यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ये देखिए यूट्यूब चैनल आ गया, फेसबुक लिंक आ गई, मुख्तलिफ वीडियोस आ गए हमारी, मुख्तलिफ वेबसाइट आ गई, हत्ता के डेली मोशन का चैनल आ गया और बहुत सारी हमारी यानी पूरा पेज ही काफ़ी अरसा हो गया, तो इस वजह से वहाँ पे एक बेस बनी हुई है, यानी कह लें यानी पहली 6-7 वीडियो 8 तस्वीरें भी हमारी हैं और वीडियोज़ तो तकरीबन सारी हमारी हैं। अच्छा जी, ये हमारी लेटेस्ट वीडियो आई थी लिनक्स कोर्स के बाद। अच्छा, यहाँ पर अपने नेक्स्ट करना है, ये देखें 1999 से चल रहा है, यानी तकरीबन इसको 19 साल हो गए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ये करना चाहें तो कर सकते हैं, आई डोंट नीड, तो नेक्स्ट। और आपको रिक्वायर्ड स्पेस है ये 2.5 MB, तो आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे आप इस तरह मेन्यू बनाना चाहते हैं बना लें, इंस्टॉल कर लें जी। यहाँ पर इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी फास्ट, और ये देखें ये इसका एक सिंपल सेंटर फेस है आपको नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पर ये लोडिंग दिखा रहा है, ये यानी कि आपके सिस्टम में चेक कर रहा है, ये देखें जी अभी ये सिस्टम में चेक हो गया। अच्छा, अभी आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हैं और यहाँ पे एक वो एक्सक्लेमेशनरी मार्क्स है, यानी आपको ये बता रहा है कि जो येलो कलर के अंदर हैं यानी कि वो आपके ड्राइवर नहीं है, सही नहीं हुई है इस सिस्टम के लिए प्रॉपर। और जो क्वेश्चन मार्क है वो ये बता रहा है कि ये ड्राइवर हमें नहीं मिला आपके मदरबोर्ड के हवाले से। हम जब जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं यानी इस वीडियो कार्ड पे अगर क्लिक करें तो एक न्यू टैब के अंदर एक लिंक ओपन हो जाती है, इसके लिए आपको नेट की ज़रूरत है, ठीक है। ये देखें ठीक है, जैसे ये देखें आपके पास 2 चीज़ें आ गई, आपने ड्राइवर डाउनलोड करना है कर लें यहाँ से, और ये देखिए उसका वर्जन आपको बता रहा है, सर्वर आपके पास 2 मौजूद हैं, एक से नहीं हो तो आप दूसरे से कर लें, ठीक है। यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, 22 MB का, ठीक है। और दूसरा भी इसी तरह आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये ओपन हो गया, ये देखें जी डाउनलोड कर लिया है, यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं, ये 177 MB का, इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। और इसी तरह जो तीसरा हमारा इथरनेट के लिए है उसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, यानी कुछ चीज़ें जो होती हैं आपके सिस्टम में हुई होती है लेकिन आपके सिस्टम के मुताबिक प्रॉपर नहीं होती है। देखें ये तकरीबन बने हैं यानी 300 MB के तीनों सॉफ्ट ड्राइवर, तो ये आप यहाँ पे अभी हमारे पास एक नॉट फाउंड, अच्छा जी ये नॉट फाउंड है, तो इसकी मुख्तलिफ वजहें वो यहाँ पे आपको बता रहा है, तो उसके लिए इतनी यानी प्रॉब्लम भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आपका जैसे ही डाउनलोड होता है, मैं इसको सिंपल 2 को पास करता हूँ और 1 को ही जारी रहने देता हूँ ताकि जल्दी से यहाँ पे हो जाए। बस ऐसी जैसे 3DP चिप इंस्टॉल हुआ इसी तरह ये इंस्टॉल होगा और आपका ये जो साइन हट जाएगा, अगर साइन बरकरार है तो आप इसी पर लिंक पर दोबारा क्लिक करें, ये जो IP लिखी हुई है इस पर आप क्लिक करेंगे ना, ये देखें लिंक ओपन हो जाएगी, तो इस पर आपको वो नया बता देगा जो और नहीं होगा, उस तरह फिर आपके पास वो ओपन हो जाएगी आपके सिस्टम के अंदर। इसके अलावा एक और बात आपको बताऊँ कि यहाँ पे इसकी अपडेट होती है, अपडेट भी इसको कर लिया करें,
ये 3D भी चिप जो है इसको करना है, नेट बेंच और क्लीनर वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है। ड्राइवर्स का अगर बैकअप बनाना चाहें वो भी कर सकते हैं, रिस्टोर करना चाहें वो कर सकते हैं, यानी एक दफ़ा सारे ड्राइवर कंप्लीट करके और उसका यहाँ पे ड्राइवर में जाके बैकअप बना लें। तो बैकअप में ऐसे होगा कि आपको दोबारा ये तमाम ड्राइवर्स नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ आपने जब नई विंडो करेंगे जो कुछ भी करेंगे सिर्फ आपने यहाँ पर ड्राइवर में आके इसी सॉफ्टवेयर को पहले डाउनलोड इंस्टॉल करना है, ड्राइवर में आके रिस्टोर करेंगे तो आपका रिस्टोर हो जाएगा। क्यों नहीं, के अंदर इसके यानी क्वेश्चन वगैरह और बग वगैरह अगर कोई मौजूद हो तो वो है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एटलीन टूट्स, कॉमेंट दिस वीडियो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर योर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग। व्हेन यू हैव अ कम्युनिटी, योर फ्रेंड्स।